तो हेलो गाइस, आपको पता होगा हमने पिछले एपिसोड के अंदर ओशो मॉन्यूमेंट को ड्रेन किया था और आज हम इसे ट्रांसफर करने वाले हैं द गोल्ड एंड रिस्टन ब्लॉक्स। उसके पहले हमको एक ऐसा गोल्डन फार्म बनाना पड़ेगा, गोल्ड का फार्म, जिसमें बहुत सारा गोल्ड हमको मिले अराउंड एक घंटे के अंदर से, हज़ारों लाखों में गोल्ड, लाखों में तो नहीं पर एक घंटे के अंदर हज़ारों में गोल्ड मिले, ऐसा हमको फार्म बनाना पड़ेगा। रिस्टन का तो हमारे पास जुगाड़ है, तो चलो फिर काम पर लग जाते हैं। ये ट्राइडेंट का देखो यही फ़ायदा होता है कि अपने रॉकेट रेसने होते पानी के अंदर होना अभी, तो ऐसे ही चलते हैं। गाइस मैंने बेसिक से सामान तो ले लिया है, अब हमको ना दूर जाना पड़ेगा उस सामान के लिए जो है ऑब्सिडियन, तो हमको एंड में जाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। गाइस मैंने एंड के अंदर एक फार्म बनाया, बहुत दिनों पहले बनाया था पर मैं दिखाना भूल गया था आपको, क्योंकि ये उतना अच्छा फार्म नहीं होता। एसपी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है पर यार कुछ रिसोर्स बस या मिलते हैं हमको क्या, एंडमैन के पल्स, उनसे क्या हम घंटा करेंगे। ऐसे नॉर्मली मैंने एसपी फार्म के लिए बनाया था, तो अभी ये किसी काम का नहीं है, तो यहाँ से बस उसे एसपी अपनी बढ़ा देते हैं सबकी चीज़ों की और चलते हैं। गाइस तो मैं फार्म इधर बनाने वाला हूँ, तो जल्दी से बना लेता हूँ। गाइस अपना फार्म बन के रेडी हो चुका है, देखो जिसका जैसा फ़ोन होगा उसके हिसाब से फार्म बनता है। जैसा मेरा 2 GB रैम का है तो इसलिए मैंने 3 ही पोर्टल बनाए, आपका अगर आईफोन है तो बनाओ कितने पोर्टल बनाने हैं, बस आईफोन फटने के बाद मुझे मत बोलना। पर आपने मैक्सिमम लगता है 7-8 पोर्टल बना सकते हैं, आईफोन वाले लगता है 7-8 पोर्टल बना सकते हैं, मैंने बस 3 बनाए, 3 पोर्टल में भी बहुत ज़्यादा लैग हो रही है। अरे बस 2 पोर्टल अभी मैंने बस चालू किए हैं, बस चालू किए फिर भी मेरी 2G बहुत लैग हो रही है, तो अभी तीसरा पोर्टल भी चालू करूँगा मैं थोड़ी देर के बाद, और AFK के लिए चला जाऊँगा, कितने जितना हम हो सकता है उतना AFK करूँगा। देखो कितने आ रहे हैं, अब देखो ये चालू किया तो बूम, देखो इतनी लैग हो गई कि ये देखो ये भी नहीं हिल रहा, देखो ओ भाई साहब, नहीं 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 मैंने ही दबाने में तो उसी गलती की। हाँ अब हो गया चालू, अब गिरने लगे, अब बस टाइम लिफ्ट को इन्जॉय करो। गाइस मैं थोड़ी देर के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारी चेस लगा दी है, तो देखो मैं अभी तो नहीं दिखाऊंगा पर बहुत ज़्यादा हो चुका है, अपना काम तो हो जाएगा उसमें पर अभी नहीं दिखाऊंगा मैं बाद में, पहले अपना रेस्टोन, अब हमको रेस्टोन के ब्लॉक चाहिए तो जल्दी से रेस्टोन के ब्लॉक के लिए हम काम पे लग जाते हैं। देखो एक एम्बरल्ड के 2 रेस्टोन के सॉरी 2 रेस्टोन्स, तो ऐसे मैं करने वाला हूँ, मतलब ट्रेडिंग करने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो जल्दी से काम पे लग जाते हैं। अपना ये सब कुछ निकाल के रखा देता हूँ और इनको अभी विलेजर भी हमको ब्रीड करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा काम है तो जल्दी से कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पे रेड भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी क्योंकि रेड से भी हमको रेस्टोर मिलता है और पहली बार एम्बुलेंस मिलते हैं, तो एम्बुलेंस से हम लोग खरीदेंगे, तो समझ रहे हो एक तीर से 1000 निशाने, मैं 1000 निशाने मारता हूँ एक तीर से। देखो यहाँ से रेस्टोर भी मिलेगा और एम्बुलेंस भी मिलेंगे, 1000 निशाने एक तीर से। गाइस ना मैंने देखो अपने गोल्ड फार्म से बहुत सारे क्या बोले इसको रोटम ब्लैश लाए हैं, जो रोटम ब्लैश बेच के भी हमको एम्बुलेंस मिलेंगे, तो 1000 निशाने हो ही ना, 1000 निशाने। और देखो ये 2 शर्कर बॉक्स दिख रहे हैं ना, इसके अंदर भी अपने वही हैं रोटम ब्लैश पूरे भरे हुए, दोनों शर्कर के भरे हुए हैं, तो जल्दी से इनको बेच देता हूँ। और तो से उधर मतलब समझो कितने ज़्यादा होंगे मेरे पास, समझो आप बस समझो। गाइस अब रेडी करनी पड़ेगी, हमारा सारा रोटम ब्लैश ख़त्म हो चुका है, तो चलो फिर काम पे लग जाते हैं बहुत ज़्यादा घंटों के बाद। गाइस रेस्टोन के बस ब्लॉक देखो, मैंने बस इतने ज़्यादा रेट की कि रेस्टोन के ब्लॉक्स बना लिए मैंने, 4 स्टैक ब्लॉक्स हो चुके हैं, मेनली 3 स्टैक ही हो गए, बाकी सब 18 है, और इसके अंदर आपने पूरे क्या बोल रहे थे एम्ब्रॉयडर भरे पूरे हैं, तो जल्दी से हम लोग ट्रेड करते हैं, फिर मिलता आप लोगों से ट्रेड करने के बाद। गाइस फाइनली बहुत दिनों की मेहनत के बाद हमारे पास हो चुके हैं बहुत सारे रेस्टोन कलेक्ट, देखो ये पूरे दोनों सर्कल पास भरे नहीं है, एक शर्कर पर बहुत ज़्यादा कम बना है, देखो ये 17 वाला ना, ये 17 खतरा होता है, तो देखो इसको नीचे करके दिखाता हूँ, चलो रॉकेट ऊपर जा, देखो वो वाला पूरा भरा है और ये देखो ये इतना भरा है, तो यार ये इनफ होगा वैसे अपना ओशो मॉन्यूमेंट बड़ा होता है पर इतना बड़ा भी नहीं होता कि इतने ब्लॉक्स उसमें कम पड़ेंगे। अब चलो गोल्ड लेने के लिए चलते हैं। गाइस आप देखो पहला ये शर्कर बॉक्स यहाँ पर, दूसरा शर्कर बॉक्स यहाँ पर, अब 1 2 3 बूम, सही में ये मेरी 3 दिन की मेहनत है, 3 दिन की, हाँ 3 दिन की, अच्छा 1 दिन की नहीं, 3 दिन में कितना कुछ हुआ है। ऐसे नॉर्मल रेस्टोन क्या बोले नॉर्मल गोल्ड फार्म से तो अच्छा ही है फार्म ये, पर देखो यार क्या यार चुम, आप इसे भरते हैं और फिर चलते हैं हम लोग।
भाई सबसे ज़्यादा जो मेरे को मेहनत लगी ना तो यही इस प्रोजेक्ट में लगी है। तो देखो भगवान जी बीच में आया, हम लोग मरे नहीं इसलिए आपके पास आया हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे को बचा के रखना, नहीं तो सामान डिस्पोन हो गया तो खत्म भाई मेरी यार। हाँ चलो फिर, अब मुझे बस मरना नहीं है बीच में, किधर सर्वर फोड़ना नहीं है। अगर सामान गलती से भी डिस्पोन हो ना, मेरे पास इतना ज़्यादा गोल्ड और स्टोन है भाई साहब, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर मुझे वापस सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे चलो हम लोग चलते रेस्ट, अपने क्या बोलते हैं अपने ओशन मॉन्यूमेंट के ऊपर। गाइज मैं पहुंच चुका हूँ, तो आप अभी इंजॉय कीजिए द फाइनल टाइम लैप्स। इंजॉय। गाइज मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो एक लाइक करो प्लीज़, एक लाइक। सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी चलेगा, पर एक लाइक तो आपको करना ही है। और हाँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और पिछला एपिसोड जो आपने नहीं देखा तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करो, आ रही होगी वीडियो, आ रही देखो नेक्स्ट एपिसोड। अगर नेक्स्ट एपिसोड आया होगा तो आ रही होगी वीडियो, तो देखो यार। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।